नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजदीप सजवान और आज हम बात करेंगे रामानंद सागर जी के सुप्रसिद्ध श्री कृष्णा सीरियल में सुदामा जी का किरदार निभाने वाले अभिनेता मुकुल नाग जी के बारे में और साथ ही हम बात करेंगे उस घटना के बारे में जिसमें डायरेक्टर ने उन्हें भिखारी समझकर सेट से भगा दिया था नील दोस्तों श्री कृष्णा धारावाहिक नब्बे के दशक में प्रसारित होने वाला एक लोकप्रिय धारावाहिक था जिसे रामानंद सागर द्वारा निर्मित किया गया था अस्सी के दशक में रामायण सीरियल की सफलता और लोगों के बीच धार्मिक सीरियल्स की लोकप्रियता को देखकर उन्होंने इस सीरियल का निर्माण किया था और इस सीरियल को भी लोगों ने उतना ही पसंद किया था जितना कि रामायण सीरियल को वैसे तो इस सीरियल के हर किरदार एक से बढ़कर एक थे लेकिन आज हम उस कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्होंने श्री कृष्णा सीरियल में भक्त सुदामा जी का किरदार निभाया था यानी मुकुल नाग जी के बारे में उन्होंने इस सीरियल में जिस प्रकार सुदामा जी का किरदार निभाया था वह किसी को बताने की जरूरत नहीं है तो कैसे मिला उन्हें सुदामा जी का किरदार आज हम इसी के बारे में बात करेंगे दोस्तों मुकुल नाग जी का जन्म 25 अक्टूबर उन्नीस को हुआ था उनके पिता का नाम सुकुमार नाग है और माता का नाम अमिता नाग है उनका बचपन अपने नानी के यहाँ गुजरा था दोस्तों जब वे केवल 12 वर्ष के थे तभी उन्होंने खुद ही का एक प्ले निर्देशित किया था जिसका नाम था तैमूर और बालक इसे पता चलता है कि बचपन से ही उनमें अभिनय की प्रतिभा थी अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद वह दिल्ली आ गए और उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय में डिप्लोमा किया इसी स्कूल से रेणुका सरानी जी ने भी अभिनय की शिक्षा ली थी डिप्लोमा पूरा करने के बाद उन्होंने बहुत सारे थिएटर ग्रुप ज्वाइन किए और उनमें अभिनय भी किया इसी दौरान प्ले के एक डायरेक्टर ने उन्हें फिल्मों में कोशिश करने के लिए कहा जिसके चलते वह मुंबई आ गए और यहीं से उनके सुदामा के रोल की शुरुआत हुई दरअसल रामानंद सागर जी ने उन्हें श्रीकृष्णा टी सीरियल में भक्त सुदामा जी का किरदार निभाने को कहा लेकिन पहले मुकुल जी इस किरदार को नहीं करना चाहते थे लेकिन जब रामानंद सागर जी ने उन्हें ये रोल ऑफर किया तो वह मना भी ना कर सके अपने मन में कई शंकाओं और चिंताओं के साथ उन्होंने हाँ कर दिया लेकिन जैसे ही उनका मेकअप हुआ तो वे बेचैन हो गए मुकुल जी को लगा कि सुदामा जी तो काफी दुबले पतले और सिर पर बाल नहीं रखते थे जिस कारण मुकुल जी को अपना ये लुक पसंद नहीं आया और उन्होंने सिर मुड़वाने का फैसला किया और वे बिना किसी को बताए सिर मुड़वा कर आ गए इतना ही नहीं बल्कि जो धोती उन्हें पहनने के लिए दी गई थी वह काफी सफेद और साफ सुथरी थी तो उन्होंने धोती को मिट्टी में रख और जब वह पूरी तरह मैली हो गई तब उसे पहनकर सेट पर आ गए सेट पर उन्हें इस भेष में देखकर कोई पहचान नहीं पाया यहाँ तक कि मुकुल नाग को भिखारी समझकर डायरेक्टर ने लोगों से कहा कि उसे बाहर निकाल दे ये सुदामा के रोल के लिए उनकी दीवानगी ही थी कि इस रोल को उन्होंने इतने बेहतरीन ढंग से निभाया दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने श्री कृष्णा सीरियल में एक नहीं बल्कि तीन किरदार निभाए थे पहला सुदामा जी का किरदार दूसरा ब्राह्मण का किरदार और तीसरा आशुथामा का किरदार लेकिन ज़्यादातर उन्हें सुदामा जी के किरदार के लिए ही जाना जाता है स्थान पा चार सोच रहा ये का। अपने बेहतरीन अभिनय से उन्होंने रामानंद सागर का दिल जीत लिया और उसके बाद उन्हें रामानंद सागर के अगले टीवी सीरियल श्रीडी के साई बाबा में भी मुख्य किरदार निभाने का मौका मिला ये सीरियल 2003 में टीवी पर प्रसारित होता था इस सीरियल में भी सभी ने उनके अभिनय की खूब तारीफ की सीडी के साई बाबा सीरियल में साई बाबा का किरदार निभाने के बाद उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया जैसे उन्नीस की फिल्म हजार चौरासी की माँ 1999 की फिल्म मस्त 2003 में सत्ता 2002 में कंपनी 2005 में अपहरण और 2015 में फैंटम आदि जैसे कई बॉलीवुड फिल्मों में वह काम कर चुके हैं इसके अलावा उनका खुद का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसके बैनर तले वे जब प्रहार नामक एक फ़िल्म बना चुके हैं और वर्ष दो में उन्हें इस फिल्म के लिए बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला था दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं श्री कृष्णा धारावाहिक से जुड़े हुए अन्य किरदारों के ऊपर भी वीडियो बना सकूँ धन्यवाद स्नाना भया चंद्र समाना